दुनिया की हर परेशानी आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के महत्वपूर्ण बिंदु का सेकंड पार्ट इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। मेरे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के फर्स्ट वीडियो में स्कूल एजुकेशन व कॉलेज के एकेडमिक स्ट्रक्चर को बताया है। इस वीडियो में मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट कैसे बनेगी और प्रत्येक वर्ष के टोटल क्रेडिट किस तरह से काउंट होंगे यह बताने जा रही हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट कैसे बनेगी, हाउ टू प्रिपेयर बीएससी फर्स्ट ईयर मार्कशीट एंड प्रत्येक वर्ष के टोटल क्रेडिट किस तरह से काउंट होंगे। यहाँ आपको एक टेबल दिखाई दे रही है जिसमें सीरियल नंबर है, सब्जेक्ट हैं, इंटरनल मार्क्स जो कॉलेज में सीसी होते हैं वो हैं, और एक्सटर्नल मार्क्स जो आप एग्ज़ाम दोगे यूनिवर्सिटी की वो हैं, और ये परसेंटेज किस तरह से निकलेगा, लेटर ग्रेड और ग्रेड पॉइंट क्या होंगे, क्रेडिट पॉइंट क्या हैं, और जीपी और सीपी क्या हैं, मैं आपको ये अच्छे से बताने जा रही हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर के सभी विद्यार्थी अच्छे से ध्यान से देखें से। तो देखिए यहाँ पर इस टेबल में यदि आपने मेजर सब्जेक्ट लिया है तो मेजर फर्स्ट और मेजर सेकंड दो आपको पढ़ने होंगे, माइनर एक पेपर पढ़ना होगा, ओपन इलेक्टिव का एक पेपर पढ़ना होगा, फाउंडेशन कोर्स के दो पेपर होंगे, फाउंडेशन फर्स्ट और फाउंडेशन सेकंड, और इसके बाद वोकेशनल व्यावसायिक कोर्स में जैसे फॉर एग्जांपल मेडिसिनल प्लांट जो भी आप लेना चाहो एक सूची दे रखिए, और प्रोजेक्ट वर्क कम्युनिटी एंगेजमेंट फील्ड प्रोजेक्ट जो आप सिलेक्ट करना चाहो। तो इस तरह से आपके सब्जेक्ट होंगे, और इंटरनल मार्क्स जो आप कॉलेज में सीसी देते हो वो है 30 नंबर का होगा ये आपका, और एक्सटर्नल मार्क्स जो आप यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम दोगे 70 नंबर की होगी ये, और फिर यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से होगा। तो यदि आप मेजर फर्स्ट में आपको सीसीई में यदि आप 20 नंबर सपोज 20 नंबर लाते हो, और जो आपकी यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम होगी उसमें यदि आपके 70 में से 40 नंबर आते हैं तो परसेंटेज किस तरह से निकालेंगे ये बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ पर 20+40 इन दोनों को प्लस कर देंगे, और नीचे जो 30+70 इन्हें भी हम प्लस कर देंगे, तो 20+40/100 तो ये हो जाएगा 60/100 × 100 तो ये हो जाएगा 60%। इसी तरह से मेजर सेकंड, यदि आप 30 में से सीसीई में 24 नंबर प्राप्त करते हो और इधर 70 में से यदि आपके एग्ज़ाम में 35 नंबर आते हैं तो इन्हें भी आप प्लस करो, 24+35/100 × 100 59%। इसी तरह से माइनर ओपन इलेक्टिव का भी आप परसेंटेज निकाल लीजिए, और फिर जो फाउंडेशन कोर्स है इसमें सीसी नहीं होता है, तो जो फाउंडेशन फर्स्ट और सेकंड एक बात ध्यान रखना है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और फाउंडेशन जो फर्स्ट है उसमें दो पेपर होंगे हिंदी और इंग्लिश, और इसी तरह से फाउंडेशन सेकंड में भी दो पेपर होंगे एनवायरमेंट और योगा। तो यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में सीसी नहीं होता है, इसलिए हिंदी 50 नंबर का होगा, इंग्लिश 50 नंबर का होगा। यदि सपोज आपको हिंदी में 50 में से 30 आते हैं और इंग्लिश में 50 में से 25 अंक प्राप्त करते हो तो टोटल हो जाएगा 55, तो 55/100 × 100 तो आपका परसेंटेज निकलेगा, परसेंट क्या होगा यहाँ पर 55। तो इस तरह से जो वोकेशनल है उसमें आपको इंटरनल 50 नंबर का होगा, एक्सटर्नल 50 नंबर का होगा, तो टोटल यदि आपको 40-40 अंक प्राप्त होते हैं तो 80 हो जाएंगे, और इस तरह से परसेंटेज निकालोगे तो 80% निकल आएगा। तो अब तक मैं आपको कि आपके सब्जेक्ट किस तरह से होंगे, आपके इंटरनल मार्क्स किस तरह से होंगे, एक्सटर्नल मार्क्स जो आप पेपर दोगे वो किस तरह से प्राप्त करोगे, और किस तरह से आपका परसेंटेज निकलेगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है लेटर ग्रेड और ग्रेड पॉइंट, ये क्या होते हैं। तो जो लेटर ग्रेड हैं वो अभी आपका जो ये परसेंटेज है
इस परसेंटेज को हायर एजुकेशन की साइट पर एक टेबल जारी की गई है, उस टेबल में हमें चेक करना होगा कि हमारा जो परसेंटेज है उस परसेंटेज में लेटर ग्रेड और ग्रेड पॉइंट क्या प्राप्त होंगे। तो वहाँ से हमको चेक करते हुए हमारा यहाँ पर लेटर ग्रेड और ग्रेड पॉइंट हमें निकालना होगा। तो मैं आपको भी टेबल बताने जाऊंगी कि उस टेबल को देखना है कि मान लीजिए यहाँ 60% है तो वहाँ पे 60% में लेटर ग्रेड और ग्रेड पॉइंट क्या दिया है, तो उसी के अनुसार आपको यहाँ पर लिखना होगा। और जो ये क्रेडिट पॉइंट होते हैं ये यूनिवर्सिटी के द्वारा ही जारी किए गए हैं हर सब्जेक्ट के लिए, जैसे मेजर के लिए 6, मेजर फर्स्ट के लिए 6, मेजर सेकंड के लिए 6, मेजर के बाद माइनर के लिए 6, ओपन इलेक्टिव के लिए 6 और जो फाउंडेशन कोर्स है उसके लिए 4, 4, 4, 4। तो इस तरह से ये क्रेडिट पॉइंट तो उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किए हैं। और जो ग्रेड पॉइंट है जो आप अर्जित कर रहे हो और लेटर ग्रेड जो आप परसेंटेज ला रहे हो उसके अनुसार आपका जो लेटर ग्रेड बनेगा वो है। और GP into CP ये क्या है, तो यहाँ पर आपको जो आपका ग्रेड पॉइंट जो आपने अर्जित किया है वो और साथ में जो क्रेडिट पॉइंट है तो उसका हम यहाँ पे गुणा करेंगे। तो जैसे यहाँ पर 7 है तो 7 into 6 = 42, तो इस प्रकार 6 into 6 = 36, 9 into 6 = 54। तो इस प्रकार हम सभी का गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद यहाँ पर ये जो अंक आए हैं 42, 36, 54, 48, 24, 28 और 36 और 32, इन्हें हम प्लस करेंगे तो मान लीजिए सपोज ये 300 होते हैं। और यहाँ पर जो आपका क्रेडिट पॉइंट है इनको भी हम टोटल करेंगे तो ये होता है 40। तो इस प्रकार एक साल में आपको जो टोटल क्रेडिट होते हैं वो 40 होते हैं और जो आपका GP into CP जो आपने प्राप्त किया हुआ है फॉर एग्जाम्पल 300। तो अब आपको आपकी जो मार्कशीट होगी उसमें एक फार्मूला यूज करेंगे AGPA, तो उस फार्मूले से ही आपका रिजल्ट बनेगा। तो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ कि किस तरह से आपका फार्मूला यूज करना है आपको। ये टेबल है जो हायर एजुकेशन की साइट पर जारी की गई है, जिसमें अभी मैंने आपको बताया था कि आपका परसेंटेज जो जो आपका परसेंट है उस परसेंट को चेक करना है इस टेबल में और उसके अनुसार ही आपका लेटर ग्रेड और ग्रेड पॉइंट आएगा। तो मैंने अभी आपको बताया था फॉर एग्जांपल जैसे आपका यदि मेजर फर्स्ट में 60% है तो 60% है तो आपको लेटर ग्रेड मिलेगा B और ग्रेड पॉइंट होगा 7। यदि आपका जैसे 85% यदि आया है आपका उधर पेपर में तो 85% मीन्स 80 और 89 के बीच में, तो 80 और 89 के बीच में 85% होगा तो लेटर ग्रेड बनेगा A+ और ग्रेड पॉइंट होंगे 9। तो इस तरह से आपको जो भी अभी मैंने आपको टेबल बताई थी उसमें जो भी आपका परसेंट आया है 60, 69 इलेक्टिव में फाउंडेशन में जो भी परसेंट आया है उस परसेंट को इस लिस्ट में चेक करना है और इस लिस्ट के अनुसार ही लेटर ग्रेड और ग्रेड पॉइंट वहाँ पर लिखे जाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से परसेंट जो आपने प्राप्त किए हैं उस परसेंट के अनुसार ही ये लेटर ग्रेड और ग्रेड पॉइंट बनेंगे और फिर उनको प्लस करके AGPA निकालेंगे। तो किस तरह से निकालेंगे, AGPA का फार्मूला क्या है, अब उस फार्मूले के अनुसार ही आपका रिजल्ट बनेगा। तो अब आपको AGPA का फार्मूला देखना है, पर AGPA का फार्मूला देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअली AGPA होता क्या है। तो SGPA, AGPA और CGPA, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले मैं आपको इनके फुल फॉर्म बता देती हूँ। जो SGPA उसका फुल फॉर्म है सेमिस्टर ग्रेडिंग पॉइंट एवरेज, AGPA का फुल फॉर्म है एनुअल ग्रेडिंग पॉइंट एवरेज और CGPA का फुल फॉर्म है कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। अब किस तरह से रिजल्ट बनाने के लिए हम
AGPA का फार्मूला यूज करेंगे और AGPA निकालेंगे, वो देखते हैं। तो ये है AGPA का फार्मूला, किस तरह से AGPA को कैलकुलेट करेंगे रिजल्ट बनाते समय। तो AGPA का फार्मूला है ग्रेड पॉइंट इनटू क्रेडिट पॉइंट अपॉन क्रेडिट पॉइंट। तो अभी आपको जो मैंने टेबल बताई थी उसमें ग्रेड पॉइंट और क्रेडिट पॉइंट दोनों का जो टोटल आया था वो आया था 300 और वन ईयर के जो क्रेडिट पॉइंट थे वो थे 40। तो यहाँ हमने 300/40 डिवाइड करने के बाद ये आएगा 7.5। तो ये AGPA निकल आएगा, तो ये आपका फर्स्ट ईयर का AGPA होगा। इसी तरह से सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का AGPA मार्कशीट में आएगा। हाउ टू प्रिपेयर वन ईयर मार्कशीट, एक साल की किस तरह से मार्कशीट बनेगी। तो यहाँ पर लोगो इन वाटर मार्क, यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम होगा, यहाँ पर बेसिक डिटेल, बेसिक डिटेल में जैसे आपका नाम, आपका फादर का नाम, बर्थ डेट, ये सब बेसिक डिटेल होगी। यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम होगा और ये यहाँ पर कोर्स कोड मार्कशीट में होंगे। तो कोर्स कोड में कौन कौन से कोर्स कोड होंगे, टोटल कोर्स कोड कितने हैं आपके, 8 हैं। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिखा होगा। और यहाँ पर क्रेडिट पॉइंट जो कि उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं वो लिखे होंगे। और यहाँ पर लेटर ग्रेड जो भी आपको मैंने टेबल में बताया था कि आपको आपका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज को टेबल में चेक करते हुए आपने लेटर ग्रेड जो प्राप्त की वो यहाँ पर होंगे। तो मैंने अभी आपको टेबल में बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो कोर्स वन है उसमें आपके लेटर ग्रेड थे बी, दूसरे में बी प्लस, तीसरे में ए प्लस। तो इस तरह से जो भी आपके परसेंटेज है उस परसेंटेज को जारी किए गए हायर एजुकेशन की टेबल में चेक करते हुए यहाँ पर लेटर ग्रेड दिए जाएंगे, बी प्लस, ए प्लस जो भी होंगे। और ग्रेड पॉइंट जो आपने अर्जित किए हैं वो भी टेबल में ही चेक करते हुए आपको देखना है कि यदि आपके यहाँ पर बी है तो आपका ग्रेड पॉइंट क्या होगा, वो आपको मैंने अभी टेबल में बताया था कि जैसे यदि आपका लेटर ग्रेड बी है तो क्रेडिट पॉइंट जो ग्रेड पॉइंट होंगे वो होंगे 7, 6, 9 जो भी होंगे यहाँ पर, तो वो लिखे होंगे। और GP इंटू CP तो मतलब इसमें जो लेटर ग्रेड आपके जो आए हैं वो, और ये ग्रेड पॉइंट हैं तो जो आपने प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पर ग्रेड पॉइंट और ये क्रेडिट पॉइंट का इंटू होगा जो मैंने अभी आपको टेबल में बताया था, तो वही यहाँ पर इंटू लिखा हुआ होगा। और उसका जो टोटल बताया था 300, तो वो 300 और ये यहाँ पर जो टोटल बताया था 40, तो 300/40। तो इसके लिए एक फार्मूला यूज़ किया जाएगा, वो फार्मूला अभी मैंने बताया था आपको अभी पहले AGPA। तो AGPA में जो आपके ग्रेड पॉइंट और क्रेडिट पॉइंट का जो टोटल था वो 300 था, तो 300/40 तो आपका AGPA होगा वन ईयर का 7.5। तो अब ये 7.5 AGPA है, तो AGPA CGPA को चेक करने के लिए हमें हायर एजुकेशन की साइट पर एक और टेबल दे रखी है। उस टेबल से अनुसार ही हमें ये देखना होगा कि हमारा फर्स्ट डिवीजन बना है या सेकंड डिवीजन बना है या थर्ड डिवीजन बना है, या हम फेल हो गए हम पास हो गए। तो इस AGPA CGPA को उस टेबल में हमें चेक करना होगा। तो मैं आपको टेबल आगे बताने जा रही हूँ। यह है वो टेबल जो हायर एजुकेशन की साइट पर डाल रखी है। यदि आपका AGPA CGPA 8 से ऊपर होता है तो आप फर्स्ट डिवीजन पास होंगे। यदि आपका CGPA AGPA 6.5 से 8 के बीच में होता है तो आप फर्स्ट डिवीजन या फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन
एट के ऊपर होने पर, और सिक्स से एट होने पर आपका फर्स्ट डिवीज़न होगा, और यदि आपका 5 से 6.5 के बीच में यदि होता है GPA तो आप सेकंड डिवीज़न पास होते हो, और यदि आपका 4 से लेकर 5 तक का GPA होता है तो आप होते पास। लेकिन यदि 4 से भी कम CGPA या AGPA आपको प्राप्त होता है तो आप फेल माने जाते हो। तो अभी मैंने आपको पहले जो एक एग्जांपल दिया था उसमें AGPA आया था 7.5, तो इस टेबल में आप उसे चेक कर सकते हो कि यदि आपका AGPA 7.5 आया है तो 7.5 मतलब आप जो हैं फर्स्ट डिवीज़न पास हो गए हो। 6.5 से 8 के बीच में फर्स्ट डिवीज़न है और 7.5 तो आप फर्स्ट डिवीज़न विथ डिस्टिंक्शन प्राप्त करते हो। तो आपको आपका AGPA जो भी प्राप्त होता है फर्स्ट ईयर में, आपका 6 आता है, 7 आता है, 7.5 आता है, उसके अनुसार ही आपका रिजल्ट बनेगा। तो यदि आप 8 से ऊपर AGPA लाते हो तो आप फर्स्ट डिवीज़न विथ डिस्टिंक्शन प्राप्त करते हो। अब इसके बाद देखते हैं कि आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यहाँ पर CGPA किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा वो बताने जा रही हूँ मैं आपको। तो CGPA जो होगा, जैसे फर्स्ट ईयर में यदि आपको क्रेडिट 40 और आपका जो AGPA भी मैंने एग्जांपल बताया था 7.5 है यदि, तो आपको 300 में से 40 को डिवाइड करने के बाद आपको AGPA कितना निकाला था 7.5। तो 7.5 मतलब आप फर्स्ट डिवीज़न विद डिस्टिंक्शन प्राप्त करते हो। तो इस तरह से आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट, फर्स्ट ईयर का ये होगा कैलकुलेशन, यहाँ पर ये सेकंड ईयर का इस तरह से प्राप्त होगा, और ये यदि थर्ड का हो, थर्ड ईयर का रिजल्ट भी कुछ इस तरह से बनेगा यहाँ पर, और जो फोर्थ ईयर होगा आपका वो भी कुछ इस तरह से आपको मैंने एग्जाम्पल दे के बताया है कि इस तरह से कैलकुलेट होगा। तो मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर में AGPA था 7.50, तो फर्स्ट डिवीज़न विद डिस्टिंक्शन यहाँ पर 7.5 मतलब फर्स्ट डिवीज़न विद डिस्टिंक्शन, तो ये 8 से ऊपर मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट डिवीज़न है, तो ये सब फर्स्ट डिवीज़न और डिस्टिंक्शन वाले AGPA दिख रहे हैं आपको। इसके बाद CGPA की गणना कैसे करेंगे, तो जब फाइनल आपकी जो मार्कशीट बनेगी उसमें ये फार्मूला यूज़ किया जाएगा, और वो फार्मूला है CGPA बराबर टोटल, किसका टोटल, तो क्रेडिट इनटू AGPA का और अपॉन टोटल क्रेडिट। तो यहाँ पर ये जो क्रेडिट पॉइंट हैं क्रेडिट इनटू AGPA, तो इनको हम प्लस कर देंगे तो 300 + 300 = 392 = 333, इन सबको प्लस किया जाएगा। तो इन सबको प्लस करने पर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आते हैं आपके 1229 और ये जो क्रेडिट है 40 40 40, तो ये हो जाएंगे 160। तो यहाँ पर जो फार्मूला है उस फार्मूले में आपको इस तरह से लिखना है और 160 से डिवाइड करना होगा, तो ये आपका जो CGPA आएगा 7.6। तो फिर आपको जो मैंने अभी हायर एजुकेशन की टेबल बताई थी उसी टेबल में इस CGPA को चेक करना होगा कि यदि हमारा 7.68 CGPA आता है तो आप फर्स्ट डिवीज़न पास हो रहे हो, सेकंड डिवीज़न पास हो रहे हो, उसी से आपको फिर यहाँ पर देखना है। तो समस्त वर्ष के छात्र के द्वारा पूर्ण किए गए समस्त पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट का योग है ये। तो इस तरह से जो फाइनल मार्कशीट होगी फोर ईयर की इस तरह से होगी। तो यहाँ पर जो ये CGPA होगा उससे आपका रिजल्ट बनेगा। अब देखिए प्रथम वर्ष जिसमें आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होगा, द्वितीय वर्ष जिसमें आपको डिप्लोमा, तृतीय वर्ष करने पर आपको डिग्री मिलेगी, और चतुर्थ वर्ष में आपको डिग्री विथ रिसर्च प्राप्त होगा। तो इन सभी के जो क्रेडिट हैं वो 40 40 40 40 और टोटल हो जाएंगे
60। अकादमिक संरचना, ये भी समझ लीजिए आप कि आपको मुख्य विषय जिसमें 54 क्रेडिट हैं, गौण विषय जिसमें 28 क्रेडिट हैं, जो वैकल्पिक विषय हैं उसमें आपको 18 क्रेडिट है सॉरी, और कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम में आपको 12 क्रेडिट हैं, फील्ड प्रोजेक्ट में आपको 24 क्रेडिट है, और इस तरह से कुल टोटल जो है 160 क्रेडिट का आपका अकादमिक संरचना होगी। यह एकेडमिक स्ट्रक्चर, इसमें देखिए आपको यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये क्रेडिट पॉइंट हैं जो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हर पेपर के क्रेडिट पॉइंट दे रखे हैं 6, 6, 6, 6 और 6। इस तरह से ये मेजर, माइनर, इलेक्टिव, वोकेशनल, फाउंडेशन कोर्स सबके क्रेडिट पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, और टोटल क्रेडिट पर ईयर्स 40, 40, 40, 40, तो 160 हो जाएगा। अभी मैंने आपको पहली स्लाइड में मार्कशीट किस तरह से बनेगी, एजीपीए किस तरह से निकलेगा, सीजीपीए किस तरह से निकलेगा, आपको परसेंटेज कैसे निकालना है, और आपकी मार्कशीट में एजीपीए और सीजीपीए के अनुसार आपका डिवीजन क्या होगा ये बताया है, तो आपको उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अब मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आती है वो बताने जा रही हूँ। तो इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रयुक्त किए जाने वाले कुछ संकेत अक्षरों की सूची है जो आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि अभी वर्तमान में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो 60 फॉर्म यूज किए जा रहे हैं वो उनके फुल फॉर्म क्या हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे एबीसी, तो एबीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो एबीसी का फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एएल का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। इसी प्रकार बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन। बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। CBCS, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये आपको पता होना चाहिए कि CBCS क्या है। इसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल CBSE, तो सेंट्रल ये बोर्ड आएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके बाद DEO, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, तो ये संक्षिप्त फॉर्म, मैंने इनके फुल फॉर्म भी लिखे हुए हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है वाली बात। ECCE, ये क्या होता है, तो ये अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत महत्वपूर्ण है। ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। MPhil, मास्टर ऑफ फिलोसॉफी। PhD, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। मेजर के लिए MJR, माइनर के लिए MNR यूज किया जाता है। इसके बाद जो आपके RP मतलब रिसर्च प्रोजेक्ट है, और SEC स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, OEC ओपन इलेक्टिव कोर्स, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई ये सभी जानकारी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आप मेरे दोनों ही वीडियो जरूर देखिए और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।